Assalamualaikum everyone, this is Dr. Sahar Chawla, right at your service. और हम बात करने लगे हैं कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स मोड में कैसे ले जाया जाए। हम हर वक्त तो खतरों से घिरे रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में इतने पोल्यूटेंट्स हैं, हम जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं वो इतने आर्टिफिशियल हैं, इतने इनऑर्गेनिक हैं, प्लास्टिक से हम घिरे हुए हैं, जीनो एस्ट्रोजेंस वाली हमारी इन्वायरमेंट है, जो जीनो एस्ट्रोजेंस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ। जो हम खाना खाते हैं वो सारा खतरनाक केमिकल से प्रोसेस्ड है या फ्रोजन है या ट्रीटेड है, और मतलब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसके लिए आपको ये बात ख्याल रखने की जरूरत है कि बॉडी के डिटॉक्स सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, जहाँ एज के साथ वैसे भी डिटॉक्स सिस्टम नीचे की तरफ जाते हैं, वहाँ पर हमारे जितना जितना जिसका एनवायरमेंटल एक्सपोजर ज़्यादा टॉक्सिन्स वाला होता है उसको ये और ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। आपकी बॉडी के बड़े बॉडी में एक इंजाइमेटिक ऑक्सीडेंट्स होते हैं, एक नॉन इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी डैमेज से बचाने वाले सेल। जो नॉन इंजाइमेटिक होते हैं उसमें आपके पास विटामिन आ जाते हैं, आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिनकी अक्सर डाइट में आप किस तरह अपनी बॉडी में इंक्लूड कर सकते हैं मैं बात करती हूँ, किस तरह डिटॉक्स में हेल्प करते हैं मैं बात करती हूँ। मिल्क थिसल के बारे में भी मैंने एक बार बात की थी कि वो जो आपके लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन फेज है, टॉक्सिन्स को जीरो करने वाला फेज, टाइप टू फेज, कॉन्जुगेशन फेज, उसको तेज करता है, तो सप्लीमेंट की भी मैंने एक बार बात की थी। जो बॉडी के इंजाइमेटिक ऑक्सीडेंट्स हैं बड़े दो मजबूत, एक ग्लूटाथायोन और एक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, आप बगैर महंगे सप्लीमेंट्स ये चले मिल्क थिसल वगैरह तो महंगे सप्लीमेंट्स हो गए ना, आप बगैर महंगे सप्लीमेंट्स ही अपने डाइट से इनको तेज कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स में चली जाए। और उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है एलिसिन। एलिसिन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है जो आपके पास गार्लिक और अनियन में मौजूद है। उसको एक्टिवेट करने का तरीका यह है कि लहसुन को फ्रिज से निकाल के आधे घंटे के लिए हवा में रख दिया जाए, एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है और उसको खा लिया जाए। इस एलिसिन में दो बेहतरीन क्वालिटीज होती हैं, आपकी जो अपना जेनेटिक एबिलिटी होती है आपकी डिटॉक्सीफाई करने की टॉक्सिन्स को, उन जीन्स को ये अपरेगुलेट यानी उनका नंबर और उनका फंक्शन इंक्रीज कर देता है, और दूसरा जो बॉडी में ऑलरेडी टॉक्सिन्स जमा हो गए होते हैं उसके साथ चिलेट्स, कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उनको बॉडी से खारिज करा देते हैं। यही क्वालिटी आपके पास कर्क्यूमिन टर्मरिक में भी प्रेजेंट है। अगर आप कर्क्यूमिन सप्लीमेंट नहीं ले सकते, मैं लेती हूँ रोज सुबह, मैं तो मिल्क थिसल भी लेती हूँ, नहीं तो आप टर्मरिक को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं किसी फैटी सोर्स के साथ, बादाम नारियल के दूध के साथ और थोड़ी सी काली मिर्च के साथ। और तीसरी जिस चीज़ की मैं बात करने लगी हूँ, दोज आर द सल्फोरेफिन कंपाउंड्स, मिर्चा, सारे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, गोभी हो गया, लेटस हो गया, ब्रोकली हो गया, इवन के केल हो गया, ब्रसल्स स्प्राउट्स हो गया, इवन के स्पिनिश लीव्स भी, ये सब सल्फोरेफिन से लोडेड है। सल्फोरेफिन आपके लिवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, कॉन्जुगेशन, उसको भी तेज करता है, और उसके साथ साथ यही वाली जो जीन्स आपकी टॉक्सिन्स को मारने वाली, इन वालियों का नंबर भी इंक्रीज करता है और फंक्शन भी इंक्रीज करता है। और एक चीज जिसके बारे में आई एम श्योर बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इन जीन्स को कौन तेज करता है, और वो हमारे किचन का इतना मामूली इंग्रेडिएंट है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, दैट इज कोरिएंडर, धनिया। धनिए को अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें, शदीद बेहतरीन किस्म का लिवर, किडनी, गट और लिम्फेटिक सिस्टम डिटॉक्स है। पांच चीज़ों को हमने डिटॉक्स करना होता है जब हम डिटॉक्स की तरफ जाते हैं, लिवर, किडनी, गट, स्किन और लिम्फेटिक सिस्टम। और जो लोग सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये हैं आपके पास इतनी नायाब चीज़ें जिनका डेली बेसिस पे यूज़, अलॉन्ग विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, हल्की फुल्की वॉक, मीठे वेजिटेबल ऑयल और तले हुए और बेकरी से परहेज, आपको जमीन और आसमान का फर्क साबित करके दिखा सकता है। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।